Hi, this is Sana Sayyad and you're watching IWM Buzz. So firstly, Sana, welcome to IWM Buzz. So अभी spy बहु doctor बन गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी doctor वाला experience कितना enjoy कर रही हूँ? मैं तो बहुत enjoy कर रही हूँ, ये पहली बार मैं doctor बनी हूँ और मुझे पता नहीं ये doctor कैसे बनता है. मैं generally हमेशा एक clumsy लड़की होती हूँ and this time I'm a doctor and I'm supposed to be very poised and graceful, which I'm trying. It's challenging and it's lovely. ओके तो कितना सारा रिस्पांस मिला है ऑडियंस से? बिकॉज आई जैसे कि मैं देखती हूँ इंस्टा पे पलकी को काफ़ी ही प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच. आई एम रियली हैप्पी क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि देख ले, पता नहीं ऑडियंस विल लाइक यू और नॉट, बट देन यू नो व्हाट, आई रियली थॉट कि स्टोरी वाज अमेजिंग, द स्टोरी वाज ब्यूटीफुल, ये ऑलरेडी इतना अच्छा शो है एंड समथिंग इन माय हार्ट सेड दिस इज़ द राइट थिंग टू पिक अप. एंड मैंने ये शो स्टार्ट किया एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, आई एम रियली हैप्पी दैट द ऑडियंस हैज़ बीन स्वीट. Oh my God. बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात से कि पलकी के आते ही 1500 एपिसोड पूरे हो रहे हैं. बट ऑनेस्टली आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्रेडिट्स. 1500 एपिसोड इतना आगे लेकर आए हैं इस शो में जितने भी एक्टर्स रहे हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, दे प्लेड अ वेरी बिग पार्ट इन गेटिंग दिस शो टू 1500 एपिसोड्स एंड आई रियली होप कि हम भी उतने केपेबल हो कि हम और 1500 एपिसोड आगे ले जाएं. व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट व्हेन यू लर्नड अबाउट पलकी एंड अबाउट द कुंडली भाग्य? अब लाइक आई सेड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट कुंडली भाग्य, आई थॉट इट वाज अ ग्रेट शो एंड मुझे ऐसा इंट्यूशन था दैट इट विल बी द इट इज़ द राइट शो. एंड अबाउट पलकीज कैरेक्टर, आई थॉट इट्स चैलेंजिंग टू नॉट बी क्लम्जी. आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन क्लम्जी एंड आई एम personally also very clumsy and to be so poised and to become a doctor, I've never played a doctor and it's a beautiful story and Balaji is very famous for love stories and all these things, so I was really excited and I'm happy. No, you have done a work with a big production. अभी एकता कपूर मैम के साथ भी कर रहे हैं. तो is there any tick box you're clicking? Yes, I did check a box. I mean, when I signed, this is my first show with Balaji, and I'm really happy that I got to be a part of this show. And one of the major reasons for me to immediately say yes to Kundli Bhagya was that it is a Balaji show and I wanted to work with Balaji and it's a lovely feeling. जब इतने बड़े सितारे एक साथ होते हैं तो कभी माइंड कॉन्फ्यूज हो जाता है कि स्क्रीन डिवाइड हो जाएंगे, फैंस डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे थॉट्स आते हैं? आई डोंट नो द प्लेस आई कम फ्रॉम, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है. मेरी स्कूलिंग डिफरेंट हुई है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट एन इनसिक्योर पर्सन एंड मुझे कभी ऐसा नहीं होता है कि इसे क्यों उसे क्यों. मुझे ऐसा लगता है जिसकी नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा. एंड अबाउट स्क्रीन टाइमिंग, आई मीन देयर आर एक शो सिर्फ कोई एक या दो कैरेक्टर नहीं बनाते हैं, शो पूरे हर पूरा कास्ट शो बनाता है. सो आई एम फाइन विद यू नो कि सबको अपना अपना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए एंड आई थिंक इट्स अ प्रिटी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजंस टू मेक अ शो अ लॉन्ग रनिंग शो, दैट इज़ टू गिव एवरीबडी द राइट अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम एंड आई डोंट इंटरफेयर. आई थिंक आई एम हैप्पी विद द वे पलकीज कैरेक्टर इज़ गोइंग. जब भी पलकी और राजवीर का सीन आता है ऑडियंस हैव देयर आई ऑन दैट, दे कांट मूव इट. और कई सारे इंस्टा पे डीएम्स डीएम्स मिलते रहते हैं, तो हाउ यू सी एंड हाउ यू रिएक्ट ऑन ऑल दिस स्टफ? I really feel happy about it. I mean, a lot of people who know me also know the fact that I'm not very active on social media. मैं इतना, one of the major reasons is कि I don't know, मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मैं ज़्यादा फ़ोन में रहती ही नहीं हूँ. एंड जब मैं फ़ोन खोलती हूँ और जब मैं इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देखती हूँ, इट रियली मेक्स माई डे. कभी कभी ऐसा होता है ना दैट मे बी यू नो किसी का एक कॉम्प्लीमेंट वैलिडेट्स यू, या आपको ऐसे फील होता है कि चलो मैं शायद कुछ सही कर रही हूँ. सो आई फील दैट वे अबाउट पीपल कॉम्प्लीमेंटिंग राजवीर एंड पलकी. बट अभी हम देखते हैं कि आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो गई हो, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन यू योर्स रील्स विद राजवीर एंड शौर्या. सो वी मेक यू ऑलवेज डू बी एक्टिव ऑन आवर सोशल मीडिया. कौन है बोथ ऑफ देम? दोनों ही मेरे शो पे आई थिंक मुझे छोड़ के सभी काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे एंड
सब मुझे पुश करते हैं थोड़ा थोड़ा कि यू शूड चलो हम ये कर लेते हैं, चलो हम रील बना लेते हैं. नाउ आई एम ट्राइंग टू लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट व्हेन आई एम फ्री. या एंड हाउ इज योर बॉन्ड विद द ओल्ड कास्ट ऑफ पुनीत भाटिया? आई हैव वर्कड विद श्रद्धा एंड आई हैव मेट द लूथरा फैमिली ऑफ स्क्रीन. मतलब अभी तक तो हमारा कोई सीन हुआ नहीं है, बट मैं उनसे ऑफ स्क्रीन भी मिल चुकी हूँ एंड आई थिंक दे आर लवली पीपल. दे आर वेरी वॉर्म एंड दे आर वेरी वेलकमिंग ऑल ऑफ देम. यू नो दे मेक यू फील कम्फर्टेबल and they make you feel welcomed and it's a great. Okay, so finally audience ko message ho jaye. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि आपने इस शो को इतना प्यार दिया है एंड थैंक यू सो मच कि आप हमें भी प्यार दे रहे हैं एंड आई होप आप हमें भी उतना ही प्यार दे पाए जितना आपने इस शो को ओरिजिनली दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.